नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों पिछले एक सप्ताह या दस दिन से कंटिन्यू हम शेयरों को रिव्यू कर रहे हैं, और जिन शेयरों को रिव्यू हम कर रहे हैं टेक्निकली और फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा, दोस्तों वो स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों आज फिर मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जिसके टारगेट आगे जो बड़े टारगेट है वो अचीव होने वाले हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों जो पहले ये कंपनी है विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड कंपनी के नाम से जानी जाती थी, दोस्तों मैंने इनकी वेबसाइट ओपन कर रखी है। इन्होंने जो राइट इशू है, होम है, अबाउट है, अपनी जो कंपनी की डिटेल दोस्तों इधर वो कर रखी है। दोस्तों स्टॉक के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि भैया एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। दोस्तों जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी है, दोस्तों कंपनी मेनली है दोस्तों जो केमिकल कंपाउंड है, पॉलीमर है, पीवीसी है, प्लास्टिक ग्रैनुल्स है, प्लास्टिक रिलेटेड जो प्रोडक्ट हमारे देश में बनते हैं दोस्तों मेनली इन्हीं के अंदर दोस्तों कंपनी काम करती है, और अच्छा जो दोस्तों इधर से कंपनी का जो कॉर्पस है वो जनरेट हो रहा है। दोस्तों जो कंपनी है साथ में रियल एस्टेट है, उसके बाद दोस्तों जो पॉलीमर के ट्रेड हैं, उसके बाद ट्रेडिंग हो गया जैसे कैश्यू नट्स में हो गया, इनके अंदर भी दोस्तों कंपनी वर्क करती है। तो जिसके हिसाब से कंपनी का दोस्तों अभी जो अच्छा रेवेन्यू इधर से जनरेट हो रहा है और स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इधर भी देख रहे होंगे दोस्तों कि वेलकम टू विकास लाइफ केयर लिमिटेड इज पॉलीमर एंड पॉलीमर एडिक्टिव रिलेटेड केमिकल ट्रेडिंग हाउसेज हैं बेस्ड ऑन दिल्ली हैविंग रिच डोमेन। तो दोस्तों इसके अंदर मेनली कंपनी करती है। अबाउट कंपनी में दोस्तों इधर आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे लेटेस्ट आपको पता होगा कि कल जो फ्राइडे को जो मार्केट बंद हुआ है कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया दोस्तों, जिसकी मेन वजह क्या है दोस्तों, अगर इधर मैं इसकी मीडिया रिलीज देखता हूं दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी ने दोस्तों 13 जनवरी 2022 को दोस्तों जो जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसके जो 75% स्टेक है उनको दोस्तों ले लिया है, एक्वायर कर लिया, और इसी से दोस्तों स्टॉक अच्छा भाग रहा है आज की देश में, और दोस्तों और भी आगे इसी रफ्तार से पड़ेगा। दोस्तों अगर हम जेनेसिस कंपनी के बारे में देखें तो जेनेसिस गैस सॉल्यूशन कंपनी दोस्तों ये मेनली है जो स्मार्ट प्रोडक्ट डेवलप करती थी, जैसे कि स्मार्ट गैस जितने भी मीटर हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन है, और दोस्तों जो IGL है यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को दोस्तों ये सप्लाई करती थी। और दोस्तों जो जेनेसिस गैस सॉल्यूशन कंपनी है विकास लाइफ केयर ने इसके 75 यानी 75% स्टेक है दोस्तों वो एक्वायर कर लिया है, यानी पूरी कंपनी दोस्तों एक्वायर कर लिया है लगभग। तो इसी को देखते हुए स्टॉक ने अच्छी दोस्तों मूव दी थी। अगर दोस्तों मैं मनी कंट्रोल के ऊपर जाकर कंपनी की पूरी दोस्तों अगर हम डिटेल चेक करते हैं, देखिए इधर कंपनी का पूरा डाटा आ गया कि कल 6.35 रुपए के ऊपर दोस्तों क्लोजिंग दी है, 30 पैसे दोस्तों स्टॉक बढ़ा है, यानी कि 4.96% बढ़ा है, यानी दोस्तों जो स्टॉक है अपर सर्किट में ही लगा रहा है और कंटिन्यू दोस्तों स्टॉक अपर सर्किट में पिछले दिनों से चल रहा है क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों अगर हम इन्वेस्ट करने से पहले अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को देख लेते, वीकनेस देख लेते, अपॉर्चुनिटी देख लेते, तो थ्रेट हमें पता होना चाहिए ताकि हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अपनी रिस्क कैपेसिटी है वो पता होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं इसके स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो दोस्तों सबसे पहले है इंक्रीज प्रॉफिट एवरी क्वार्टर, मतलब पिछले जो 3 क्वार्टर से दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है। उसके बाद दोस्तों जो पास्ट के 2 क्वार्टर हैं उनसे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसलिए स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों मेन वजह जो है, जैसे कि आपको पता है कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, कंपनी के जो प्रमोटर है दोस्तों उन्होंने कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं किया है, इसलिए दोस्तों इधर मेन वजह है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसका रिसेंट रिजल्ट देखते हैं, ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद इंक्रीज इन ऑपरेटिंग मार्जिन दोस्तों कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, और दोस्तों अभी जो है नियर 52 वीक हाई है, यानी पिछले जो 1 साल से दोस्तों अभी उसके हाई के ऊपर स्टॉक पहुंच रखा है। दोस्तों स्टॉक ने है 1 महीने के अंदर दोस्तों 20% से ज्यादा ग्रोथ ली है कंटिन्यू। अगर दोस्तों हम इसके स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की बात करें तो जो प्राइस है अबो शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से दोस्तों अभी स्ट्रॉन्ग इधर सपोर्ट दे रहा है। दोस्तों ये थे स्ट्रेंथ स्टॉक की। अगर दोस्तों हम इसके वीकनेस की बात करते हैं तो वीकनेस में दोस्तों इधर है कि प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज बाय मोर देन 2%, दोस्तों ये जो 2% से है प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। अगर दोस्तों जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, दोस्तों ये सेकंड थ्रेट है कि जो प्रमोटर है वो थोड़ी सी अपनी स्टेक होल्डिंग है दोस्तों वो डिक्रीज कर रहे हैं। और दोस्तों जो अगर हम इनके बात करें कंपनी विद वीक फाइनेंशियली, दोस्तों ये थोड़े से वीकनेस है स्टॉक के। अगर दोस्तों हम इसके अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, भैया हमें बाय क्यों करना चाहिए, पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया दोस्तों जो इसका
फर्स्ट रेजिस्टेंस था अभी स्टॉक ने लेटेस्ट ही अपना पॉजिटिव ब्रेकडाउन इधर फर्स्ट रेजिस्टेंस में दिया है और दोस्तों 52 वीक लो से तगड़ी रिकवरी दी है इधर स्टॉक ने। दोस्तों फाइनली अब हम देखते हैं कि विकास लाइफ केयर के जो टेक्निकल इंडिकेटर स्टॉक के बारे में क्या बोलते हैं। दोस्तों जो एमसी सेंसेल है इसको 60% पास करता है, एमसी टेक्निकल है दोस्तों जो ट्रेंड है वेरी बुलिश है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ओपन है जो प्रीवियस क्लोजिंग है इसकी 6.05 रुपए थी, ओपन 6.35 रुपए पे हुआ, यानी स्टॉक दोस्तों कंटिन्यू अपर सर्किट में ही रहा है, स्टॉक के अंदर दोस्तों अपर सर्किट बनाए रखा है। अगर दोस्तों इसके हम अपने जो ट्रेंड को देखते हैं, ट्रेंड दोस्तों वेरी बुलिश है, मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है और जो दोस्तों मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है वे भी बुलिश है। अगर दोस्तों हम इसके पिवट लेवल देखते लेते हैं, R1 है दोस्तों 6.35 रुपए, R2 है 6.35 रुपए, यानी दोस्तों क्योंकि कंटिन्यू स्टॉक जब अपर सर्किट में है तो दोस्तों जो इसके R1 R2 जितने भी है 6.35 रुपए के ऊपर ही है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके मेनली दोस्तों हमारी जो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स क्या बोलती है। भैया कम्युनिटी सेंटीमेंट का जरूर पता होना चाहिए दोस्तों, इधर 100% बाय सिग्नल है, 0% सेल सिग्नल है और 0% के दोस्तों होल्ड सिग्नल इधर दे रखा है, यानी दोस्तों जितनी कम्युनिटी है दोस्तों वो बोलती है कि भैया स्टॉक के अंदर हमें बाय करके चलना चाहिए, इसीलिए दोस्तों कम्युनिटी बेस्ड के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग दोस्तों तगड़ा इधर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं, क्योंकि चार्ट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो मैं आ गया हूं दोस्तों इधर चार्ट के ऊपर। अगर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यू दोस्तों स्टॉक है इधर, कल की अगर हम देखते हैं दोस्तों वॉल्यूम अच्छी रही है कल स्टॉक के अंदर और दोस्तों सीधा 6.35 रुपए के ऊपर दोस्तों अपर सर्किट में रहा है स्टॉक। स्टॉक के सपोर्ट की बात करते हैं तो कंटिन्यू दोस्तों स्टॉक ने इधर 3.10 रुपए के करीब दोस्तों सपोर्ट लिया है और बार बार इस पर सपोर्ट लेकर दोस्तों स्टॉक ने ऊपर गया है। एक बार दोस्तों इधर 3.71 रुपए या 3.77 रुपए पर रेजिस्टेंस दिया था स्टॉक ने, लेकिन फिर कंटिन्यू दोस्तों ये ग्रोथ होने लगा है। और अगर दोस्तों हम पिछले लगभग एक सप्ताह की अगर वॉल्यूम देखते हैं दोस्तों कंटिन्यू बहुत ही तगड़ी वॉल्यूम इधर आप लोग दिखाई दे रही होगी, तगड़ी वॉल्यूम के साथ दोस्तों स्टॉक ऊपर गया है। और दोस्तों अगर हम इसके पीछे के लेवल की बात करते हैं, पीछे के लेवल की अगर दोस्तों हम बात करें जो मैंने इधर दोस्तों लाइन ड्रॉ कर रखी है, स्टॉक लगभग दोस्तों 18.70 रुपए या 85 पैसे के करीब दोस्तों स्टॉक जाकर आया है, लेकिन फिर डाउन आया था और अभी भी दोस्तों अगर हम इसके टैग इंडिकेटर्स को देखते हुए दोस्तों लग रहा है स्टॉक जो दोस्तों अपना पुराना दोस्तों जो हाई है 18.81 रुपए का उस तक पहुंचने की आशंका है, जल्दी दोस्तों इधर पहुंच सकता है। क्योंकि अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर को दोस्तों इधर देख लेते हैं दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों अच्छा वर्क कर रहे हैं, कल तो दोस्तों अपर सर्किट में और कंटिन्यू आप लोग देख ही रहे हो दोस्तों लगभग पिछले एक सप्ताह या 10 दिन से स्टॉक दोस्तों कंटिन्यू अपर सर्किट में जा रहा है और लोग दबा के इसके अंदर दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। दोस्तों जिसका RSI है, RSI भी कंटिन्यू दोस्तों अभी 91 के ऊपर है, तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों रिस्क हो जाता है जब भी आप अपनी बाइंग बनाए। अगर दोस्तों RSI इंडिकेटर है 80 से ऊपर जा रहा है तो दोस्तों हमने अपने रिस्क को देखते हुए ही इसके अंदर हमें अपनी न्यू फ्रेश होल्डिंग बनानी है, क्योंकि RSI 80 से ऊपर जाने के बाद स्टॉक में थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन जब दोस्तों कम्युनिटी इसके पास स्ट्रॉन्ग है तो दोस्तों कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड का जो स्टॉक है दोस्तों, अगर मेरे रिव्यू की बात करें, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक रखा है तो दोस्तों आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप फ्रेश बाइंग बनाने जा रहे हैं तो दोस्तों अभी कंपनी भी एक्वायर की है जेनेसिस गैस सॉल्यूशन, इसको भी जो स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप दोस्तों इस लेवल के ऊपर स्टॉक को बाय कर सकते हो। और दोस्तों जो नेक्स्ट टारगेट है बहुत ही जल्दी दोस्तों 7 रुपए से ऊपर स्टॉक जा सकता है। अगर किसी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना हो तो वो अपने हिसाब से देख सकता है, लेकिन स्टॉक के अगर दोस्तों हम पीछे का जो हाई देखते हैं इधर, अगर मैंने जो पहले दोस्तों आपको टारगेट बताए थे इधर दोस्तों आपको पता है 9.74 रुपए भी इधर दोस्तों छू के आया था, तो सेम स्टॉक दोस्तों अपना जो प्रीवियस हाई है उसको बहुत ही जल्दी तोड़ सकता है। कंपनी दोस्तों अपने हिसाब से दोस्तों अच्छी है, क्योंकि इसके प्रमोटर ने भी कोई प्लेज नहीं किया है, कंपनी लो डेट कंपनी है और दोस्तों हमारे जैसे इन्वेस्टरों के लिए छोटा स्टॉक है, तो इजीली हम दोस्तों इसमें जो अपनी होल्डिंग है वो बना सकते हैं। दोस्तों अगर मैं मेरे दोस्तों कम्युनिटी की बात करूं तो मेरे हिसाब से हम स्टॉक को ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और दोस्तों कल की क्लोजिंग जो फ्राइडे की है स्टॉक की बहुत अच्छी रही और आने वाले समय में भी दोस्तों स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फाइनली दोस्तों अगर आपका विकास लाइफ केयर लिमिटेड स्टॉक के बारे में कोई कमेंट है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास विकास लाइफ केयर स्टॉक के कितने शेयर अभी आपके पोर्टफोलियो में, वो भी आप कमेंट करके जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।